उसके बाद फिर महारानी की बार बार फिर डिबोटी से मिलना शुरू किया। जो तो एक समय देखा उन्होंने कि ना एक लकड़ के बहुत सारे पीसेस पड़े हुए हैं और ये व्यक्ति है लकड़ों के नीचे घुसा हुआ है और टक 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 कर रहा है। और वो थे जयानंद प्रभु। उन्होंने कहा, उन्हें जय बता को देखा कि वो ने देख रहे हो, वुड लाइक टू हिट अ नेल, वुड लाइक टू हिट अ नेल, कील ठोकोगे? अरे हाँ, ओके। तो उन्होंने कहा कील को यहां पकड़ो। तो श्री जय बता कील को पकड़ा और जयानंद प्रभु ठक 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 जो पास से पहुंचने वाला, तो फिर जय बता ने अपनी उंगली हटा दी और फिर महाराज और फिर जयानंद प्रभु ने ठक 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 करके पूरा ठोक दिया। वेरी गुड इंटेलिजेंट बॉय। जयपता कुमार सोच रहे कि इसमें पहले इंटेलिजेंस वाला क्या है, मतलब अब तो जब कील ठोकेगा और कील जब पास आ रहा होगा तो फिर तो दूर उंगली तो हटानी चाहिए। ओके नाउ यू हिट। तो उसे फिर जयपता कुमार ने कील ठोका, ठक 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 ठोका और कहा तुम खुद भी बहुत अच्छा ठोक लेते हो, नाइस। तो उसके बाद फिर उन्होंने उनसे भी कील ठोकवाए और रथ बनाना शुरू किया। तो कितना बड़ा बनाना है, और यहाँ पर एक्चुअली 80-90% लकड़ पड़ी हुई थी, अभी तो 20% यहाँ पर ठुकाई पिटाई हुई थी। उन्होंने कहा ये होगा लंबा समय होगा इसको बनाने के लिए, कम से कम 2-2.5 साल ऐसे लगाएंगे, बड़ा स्ट्रक्चर बनाना है। ना ना ना, 2 वीक्स, 2 वीक्स, यस। तो उसके बाद उन्होंने कील ठोकना शुरू किया। देन एक्चुअली इस तरह से वो काम करते जय जयानंद प्रभु, उनको लग गया कि ये 2 वीक से पहले पहले ये तो रथ बना ही देंगे वो। इनफैक्ट उन्होंने एट दैट टाइम जयानंद प्रभु वाज टेम्पल प्रेसिडेंट, तो उनका कील ठोकना शासन एक में वो कूड़ा उलट रहे थे, कूड़ा उलटते हुए देखा, पलटते हुए देखा था उन्होंने जयानंद प्रभु को। उनको लगा शायद यहाँ का नौकर है, और देखा जयानंद प्रभु वाज वेरी हैप्पी, हरे कृष्णा, हाँ यहाँ का कूड़ा साफ करने वाला अगर इतना खुश है तो बाकियों का तो फिर कहना ही क्या। तो ये एनकाउंटर भी उनका हुआ था जयानंद प्रभु के साथ। उनको देखा अभी रथ बना रहे हैं, और उस वक्त ऐसे था डिवोटीज इवन ब्रह्मचारी दे वुड गो आउटसाइड एंड वर्क, क्योंकि टेम्पल मेंटेन करने के लिए इतना दान आता नहीं था। तो इवन जो ब्रह्मचारी से बाहर जॉब करने जाते थे, कोई टैक्सी चलाता था, कोई रेस्टोरेंट में काम करता था, बैरे का काम करता था, और पैसे लेकर के आते थे मंदिर चलाने के लिए। तो इतने हम्बल डाउन टू अर्थ स्पिरिचुअलिस्ट उन्होंने कभी देखे नहीं थे, तो इसलिए उनका हृदय बहुत कनेक्ट हुआ। साथ ही कीर्तन करना शुरू किया, उन्होंने कीर्तन सुनना शुरू किया, दैट वॉज वेरी क्लोज टू हिज हार्ट। और कई सारी फर्स्ट कैंटो था, साथ साथ में उनको जो बुक मिली दैट वाज इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स। नाउ दिस वाज मोर मिस्टिकल, क्योंकि उस वक्त स्पुतनिक कैसे भेजेंगे आकाश में, ये कोल्ड वॉर चल रही है रशिया और अमेरिका की, कौन स्पेस को कॉन्कर करता है पहले, ये चल रहा था। पर यहाँ बुक का टाइटल था इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, इजी जर्नी, और वो पढ़ा, इट वॉज वेरी मिस्टिकल एक्सपीरियंस फॉर जयपता महाराज, उसे बहुत इंप्रेस हुए। सो ही वॉज वेरी मच कन्विंस कि अगर मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब मिलेंगे तो यहाँ हरे कृष्णा वालों के साथ ही मिलेंगे।